चलिए, अभी कार्बोनिल कंपाउंड्स रिलेटेड जो रिएक्शंस हमने पढ़ी थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स दिए हैं, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स को क्या करना है, यू हैव टू अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। इनके साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट इट इज एसिटल्डिहाइड, देन बेंजल्डिहाइड, फिर बेंजोफिनोन है, देन इट इज एसीटोन, उसके बाद दिस इज एसिटोफिनोन, देन इट इज फॉर्मल्डिहाइड, एंड लास्ट में क्या इट इज दैट क्लोरल। ठीक है, तो इनको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसमें हमने क्या लिया है, साइक्लोपेंटेनोन, इसका रिएक्शन करवाया हमने डायजोमीथेन के साथ, तो इससे दो कंपाउंड्स बनते हैं ए और बी, ये आपको बताने मैकेनिज्म से कि कौन से कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लिया हमने, दैट इज साइक्लोब्यूटेनोन, इस पर पहले एच सी एन की रिएक्शन करवाई, इससे बना कंपाउंड ए, इस कंपाउंड ए के ऊपर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, इससे बना इट इज कंपाउंड बी, उस कंपाउंड बी पर हमने क्या डाला, दैट इज NaNO2 एंड HCl, इससे बना इट इज कंपाउंड सी। ठीक है, कंपाउंड सी पर डाला हमने इट इज CH2NN2, तो इससे क्या बन रहा है, इट इज डी प्लस ई। आपको ABCDE सब आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, इसके बाद फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसमें नहीं, ये रिएक्टेंट दिया है, इससे आपको इस वाले प्रोडक्ट को बनाना है, तो इसके लिए क्या रिएजेंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, इसके बाद फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसमें इथाइल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, दैट इज लैक्टिक एसिड बनाना है, इथाइल अल्कोहल टू लैक्टिक एसिड सिंथेसिस करना है ना? तो करिए वाले क्वेश्चन, फिर इनके सोल्यूशन डिस्कस करते हैं।